नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। जैस्मिन के चेहरे पर काले फुदा दे एक बौखलाया फतेह, तो वहीं पर फतेह की मासी उड़ाएगी मजाक कि जैस्मिन के साथ यही होना चाहिए था। भाई, जैस्मिन के चेहरे पर महिला मोर्चा ने काले फोद दी है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाती है तो सब उसे देखते हैं। वो रोती हुई घर के अंदर जाती है और यहाँ पर फतेह जब जैस्मिन को ऐसी हालत में देखता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। पूछता है किसने किया ये सब, तो इस पर तेजो बताती है सारी कहानी की कुछ औरतें आई थी, महिला मोर्चा वाली औरतें आई थी और उन्होंने जैस्मिन का ये हाल किया। आपको बता दें, जब जैस्मिन के साथ ये सब हो रहा होता है तो उस वक्त तेजो बहुत परेशान नजर आती है और यहाँ पर जब वो फैमिली को बताती है कि ऐसा हुआ है जैस्मिन के साथ, तो वहीं पर माची और माही को बहुत सही लगता है। वो कहते हैं कि इसके साथ तो यही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर फतेह बेहद परेशान हो जाता है। वो संभालता है जैस्मिन को। वैसे जैस्मिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसकी पूरी फैमिली की बेइज्जती हुई थी, फतेह की बेइज्जती हुई थी, फतेह की फैमिली की बेइज्जती हुई थी, लेकिन जब उसकी बेइज्जती हुई तब उसे ये चीज़ ज़रूर रियलाइज हुआ होगा। वेल, उसे तो सिर्फ और सिर्फ कैनेडा जाना है और इसी बात को लेकर वो बेहद खुश होती रहती है, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर वालों की बेइज्जती हो, फतेह के घर वालों की बेइज्जती हो। लेकिन आज जब खुद की बेइज्जती हुई है, ऐसे चेहरे पर उसके कालिख पोता गया है, तो फिर उसे इस बात का एहसास हुआ होगा कि बेइज्जती क्या होती है। वेल, यही सोचकर जो घर वाले हैं, यानी कि जो मासी हैं और साथ ही साथ जो माही है, ये बहुत खुश नजर आ रही थी और सभी कहते नजर आ रहे थे कि यही होना चाहिए था, क्योंकि अपनी बहन के साथ उसने ये हरकतें की है। अब इसके बाद फूट फूट कर रोती नजर आती है जैस्मिन और फिर इसके बाद फतेह लेने वाला है फैसला कि वो घर छोड़कर जाएगा, जिसके बाद तेजो जैस्मिन और फतेह को लेकर आने वाली है। क्या कुछ होने वाला है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। वैसे उड़ारियाँ का जो हर एपिसोड है वो बहुत ही शानदार होता जा रहा है और फैंस की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। हालांकि कुछ फैंस हैं जो लगातार गुस्से में हैं कि कुछ हो क्यों नहीं रहा है अच्छा तेजो के साथ, तो वहीं पर कुछ फैंस ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि फतेह के साथ भी बहुत ही ज़्यादा बुरा हो और वो जैस्मिन की चीज़ों को लेकर लगातार पछताए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।